सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विरोध नहीं किए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। ईडी ने कहा कि उसे संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, लेकिन आदेश की लिखित कॉपी में सुप्रीम कोर्ट ने उस बयान को हटा दिया जिसमें कहा गया था कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीवी वारले की पीठ ने पहले मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया कि संजय सिंह जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी दर्ज किया कि उनके वकील मौजूदा मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई के वक्त संजय सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष इस शर्त पर सहमति दी थी।